केकई के नाम तीन हैं, ध्यान रखना। पहले तो आप कौशल्या केकई सुमित्रा के ही नाम नहीं जानते होंगे, किसी को मालूम है कौशल्या केकई सुमित्रा के नाम क्या है? आप कहेंगे महाराज आप बोल तो रहे और पूछ रहे हो। कौशल्या केकई सुमित्रा ये उनके नाम नहीं है, ये उनके विशेषण है। जैसे सीता जी को मैथिली कहते हैं, जानकी कहते हैं, वैदेही कहते हैं, तो ये उनके नाम है क्या? ये सब विशेषण है। उसी प्रकार से कौशल देश की राजकुमारी थी इसलिए कौशल्या, सौमित्र देश की है इसलिए सुमित्रा, केक नरेश की पुत्री इसलिए कैकेयी, जैसे कि जनक की पुत्री जानकी, मिथिलेश नंदिनी मैथिली, उसी प्रकार से सीता जी को वैदेही जानकी ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तविक नाम केवल सीता है। उसी तरह से तीनों माताओं के नाम ये नहीं है, नोट कर लेना। कौशल्या का नाम है कांतिमती, क्या नाम था? कांतिमती, उनकी आभा प्रभा सुशोभित होती। और सुमित्रा का नाम है गुणावती। जब भी घर के अंदर में कोई भी मांगलिक महोत्सव होते थे तो सबसे अच्छे चौक सुमित्रा जी ही पूरती थी। चौके भवन सुमित्रा रूरी, सुमित्रा जी चौक पूरती है, सिंगावट सजावट करती है, अद्भुत गुणों की खान थी सुमित्रा जी। और केकई का नाम था रूप मल्लिका या रूप मालती। और एक नाम और भी उनका था प्रियंबदा, इसका मतलब है मृदु भाषणी थी। तो इस प्रकार से केकई का विवाह कैसे हुआ? केकई अपने पिता की इकलौती बेटी थी, राजकुमार की तरह उनका श्रृंगार होता था। जैसे आजकल भी कुछ बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जो दूर से देखने में लगे कि लड़का है, ऐसे ही केकई महारानी जी भी राजकुमार सदृश वस्त्र पहनती थी, कवच कुंडल सारी चीजें धारण करती थी, धनुष बाण उनके हाथ में रहता था। इतिहास में जब आप वीर रानियों का नाम लेते हैं तो सन 57 की चमक पड़ी, क्या वह तलवार पुरानी थी आप रानी लक्ष्मीबाई को। लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि लक्ष्मीबाई को पैदा किसने किया था, किस धरती में कहां जन्मी थी, कोई बताएगा? झांसी बताएंगे ज्यादातर लोग, मुझे मालूम है वो आगे वो बोल रही ना, इसलिए आपने सुनकर क्यों बोला, वो बनारस की। इसलिए तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी देव प्रसूत नगरी है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी में आई, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और आप जाना कभी वहां पर 80 घाट जहां तुलसीदास जी के लिए मुड़ेंगे तो वहां पर ही उनका खंडहर के रूप में अभी पड़ा हुआ है, पुरातत्व के हाथ में है वो, जहां रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। सन 57 में उनकी गाथा को कहा जाता है। लेकिन इतिहास उठा करके देखो, सबसे पहली वीरांगना रणभूमि में अपने पति के साथ में कदम से कदम मिलाने वाली अगर कोई नारी थी तो आप पौराणिक इतिहास में देखो केकई महारानी थी। केकई राजकुमारों की सदृश ड्रेस धारण करके जाती थी, और पुराने जमाने में बच्चों को जब वो राजकुमारों को आखेट शिक्षा दी जाती थी तो जगह जगह उनके शिविर लगाए जाते थे। कश्मीर की कन्या थी, कश्मीर देश में जन्मी थी केकई जी। तो महाराज आज जो दशरथ जी के पिताजी थे उन्होंने सूचना भेजी कश्मीर में केकई के पिताजी के लिए कि हमारे राजकुमार दशरथ आखेट प्रशिक्षण लेने के लिए आपके यहाँ पर आ रहे हैं, आप व्यवस्था प्रदान करें। और चक्रवर्ती सम्राट थे राजा अज, उन्होंने पूरी व्यवस्था उनको दी। शिविर लग गए, जगह जगह पर वितान तने हुए थे, तमाम सैनिक अवध धाम से आए हुए थे और वो लगे हुए थे। उसी समय उसके अंदर में किसी की एंट्री नहीं हो सकती थी, महाराज को भी अनुमति लेकर के ही जाना पड़ता था। और उसके बाद में महारानी केकई राजकुमारी थी, उन्होंने कहा कि ये अयोध्या के राजकुमार प्रशिक्षण लेने आए हैं, क्या मैं देख सकती हूँ, क्योंकि वो भी सरसंधान करना जानते थे। तो केकई को अनुमति राजा अज से मिली, अयोध्या से लेनी पड़ी, क्या हमारी राजकुमारी जा सकती? बोले जा सकती। अब महारानी केकई जो प्रियंबदा उनका नाम था, राज अभी विवाह नहीं हुआ था, युवती थी, वो अंदर प्रवेश की राजकुमार के रूप में और वो बैठ करके देख रही थी कि दशरथ जी कैसे आखेट करते हैं। उन्होंने देखा कि जंगल में एक हिरण और हिरणी दोनों परस्पर प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, प्रेमालाप कर रहे थे हिरण और हिरणी। और दशरथ जी महाराज ने उसी समय बाण अनुसंधान कर दिया, केकई ने कहा गलत, हमारे राष्ट्र की क्रिया पद्धति का पालन करना पड़ेगा और हमारे यहाँ पर प्रणय प्रबद्धता में बद्ध किसी प्राणी का बाण का संधान नहीं किया जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए केकई ने बीच में एक बाण छोड़ा और दशरथ जी के आए हुए बाण के दो खंड कर दिए। दशरथ जी ने कहा ये कौन है, इसने मेरे अचूक निशाने को काट दिया बीच में। उसके बाद में हेड कैप जैसे नहीं आजकल मोटरसाइकिल में लगा के चलते, ऐसे ही राजा लोग लगाते। राजकुमारी आई तो उसने अपना हेड उतारा और दशरथ जी को प्रणाम किया, कहा आप मेरे अतिथि हैं, देवता के समान है, क्षमा करें, हमने आपकी आखेट लीला में विघ्न दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप आखेट करने के लिए आए हैं तो हमारे देश के नियम पद्धति को भी आपको जानना चाहिए, हमारे यहाँ पर प्रणय लीला में आबद्ध किसी प्राणी का वध नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने बाण चढ़ा करके जो आपका अपमान किया है उसके लिए आप क्षमा करें। राजा दशरथ जी ने पूछा क्या आप प्रियंबदा जी हैं? बोले हाँ मैं ही प्रियंबदा हूँ।
कहा मैंने आपके स्वरूप के बारे में तो सुना था लेकिन रण कौशल भी अचूक आपका, मैं आपको हृदय से सम्मान देता। कह नहीं पाए, मर्यादा इतनी थी कि विवाह पद्धति तो पिता ही संपन्न कर सकता था, पर दशरथ जी लालसा लेकर के चले आए। बाद में विवाह होता। केकई को ऐतिहासिक ज्ञान जितना था किसी को नहीं था, केकई को भूगोल के बारे में जितना ज्ञान था किसी को नहीं था, केकई को डॉक्टरी वैद्य का जितना अनुभव था किसी को नहीं था। केकई एक महान कवियत्री भी थी और देश की प्रबल संरक्षक थी। केकई को एक बहुत बड़ी चिंता थी, पढ़ी लिखी थी, वो सुनती थी कि दशरथ जी महाराज इतने बड़े वीर हैं कि देवासुर संग्राम में स्वर्ग को भी जाते हैं और इंद्र की मदद करते हैं, लेकिन दूसरी ओर केकई को सुनाई पड़ता है कि हमारे इसी देश में महाराष्ट्र के अंदर में महाराज इतने ऋषियों को आज मार दिया गया, हड्डियों के ढेर पड़े हुए। रावण ने रक्ष संस्कृति की स्थापना की, रक्ष मनी वयम रक्षामा, रक्ष से राक्षस शब्द बना और उसका विस्तार करता चला जा रहा था। जैसे आज तमाम लोग भारत के दुश्मन हैं, तो उसने भी अपने हफ्ते में भारत को ही ले रखा था, इसलिए चारों तरफ से उसकी सेनाएं घुस रही थी। महाराष्ट्र में शूर्पणखा रहती है, मारीच और सुबाहु उसके साथ में लगे हुए, खरदूषण उसकी सेना में है। इधर बिहार में बक्सर एक जगह है जहां विश्वामित्र जी का यज्ञ चलता था, वहां पर उसने ताड़का को लगा दिया है, महाराज सुबाहु मारीच सुबाहु वहां दे रखे। दूसरी ओर मथुरा में लवण नाम का दैत्य की स्थापना हो चुकी है। चारों तरफ से भारत में राक्षस बढ़ते हुए चले जा रहे थे, पर दशरथ जी कुछ नहीं कर रहे थे। केकई कहते हैं जब इतने बड़े योद्धा हैं, देवासुर संग्राम में जाकर के देवताओं की रक्षा करते हैं, पहले अपनी देश और संस्कृति के अनुसार ये रक्षक महात्माओं की रक्षा इनको करनी चाहिए। अगर मेरी शादी इनसे हो जाए तो मैं पहले अगर मेरी शादी हुई तो पहले तो मैं एक ऐसे पति को वरण करूंगी जिनको इनके खिलाफ में युद्ध करा दूंगी, और अगर मेरा पति सक्षम ना हुआ तो मैं एक ऐसी वीर प्रसूता संतान को पैदा करूंगी जो राक्षसों को खत्म करके देश में भारतीय संस्कृति की स्थापना करे, और अगर पति ऐसा ना हुआ तो मैं पुत्र को पैदा करूंगी। इसलिए केकई का जब विवाह हुआ, दशरथ जी महाराज चतुर्थावस्था में पहुंच चुके थे और दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम से लौट रहे थे। इधर केकई का स्वयंवर रखा गया, राजा ने निवेदन किया कि महाराज स्वयंवर में भाग ले लें। कहा अब मैं क्या स्वयंवर में भाग लूंगा, चतुर्थावस्था में हूं, बाद में देखा ये तो प्रियंवदा है। बैठ गए और स्वयंवर में नियम ये होता है कि राजकुमारी के साथ में मंत्री लोग चलते हैं और वो राजकुमार जो बैठे हुए रहते हैं उनके बारे में बताते जाते हैं, ये फलाने हैं, इस देश के हैं, यहाँ यहाँ तक इनकी सीमाएं हैं, ये इनके अंदर में विशेषताएं हैं, इस शत्रु को जीता है, यहाँ पर पराजित हुए हैं, ये कलाएं हैं, सारी चीजें वो लिस्ट के अनुसार बताता है। एक बार पूरा राउंड लेने के बाद में दोबारा राजकुमारी आती है, फिर जिसके बारे में पूछती है मंत्री, फिर उसके बारे में दोबारा बताता है, और तीसरे राउंड में राजकुमारी माला डाल देती है जिसको चाहती है, ऐसा स्वयंवर का क्रम होता था। लेकिन केकई के संदर्भ में आता है कि महाराज दशरथ जी का जब परिचय देने लगा उनका मंत्री, तो उनका इनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, इनको मैं जानती हूं, ये राजा दशरथ हैं और देवासुर संग्राम से लौट रहे हैं। और केकई ने बिना पूछे अवस्था को भी नहीं देखा माला डाल दी। पिताजी ने कहा यह क्या किया तुमने, ये मेरे से भी अवस्था से बड़े हैं और तुमने इनको पति के रूप में चयन किया, था मैंने सोच समझ करके किया है, फिर भी विवाह के लिए इनकार कर दिया जब राजा दशरथ जी से उन्होंने, तो उन्होंने कहा अब तो ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने शर्त रखी कि इनका जो बेटा होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे उनका विवाह हुआ और विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद में जब देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी कवच कुंडल तैयार होते हैं तो पत्नी सजाती उन्होंने धारण कराए, और जब उन्होंने कृपाण मांगी तो केकई ने मना कर दिया, कहा कृपाण लेकर मैं खुद चलूंगी। ऐसा होता है छत्राणी जो पत्नी होती है, वीर प्रसूता होती है, वो अपने हाथ से तलवार देती है पर वो पति को तिलक नहीं करती, केवल प्रणाम करती है, कहती कृपाण लेकर के मैं खुद आपके साथ में चलूंगी। बोले नहीं, आज तक का इतिहास नहीं है, नारी कभी रण संग्राम में नहीं गई है। बोले नहीं गई तो मैं इतिहास तोड़ूंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं और आप मेरे पति हैं, आप गारंटी लेते हैं कि आपका युद्ध भूमि में कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं अधिकार रखती हूं और मेरा धर्म मुझसे कहता है कि मैं अपने पति की रक्षा करने के लिए रण
रणभूमि में मैं जाऊं। और तब केकई रणभूमि में पहुंची है। केकई ने पूरा पता लगा लिया था कि आज के युद्ध में कौन कौन शिव दैत्य हैं। नमुचि नाम का दैत्य वाला छली और कपटी था, उसने और भी लोगों को कभी ऐसे ही छल कपट से मारा था। इसलिए केकई ने जब रास्ते में युद्ध का ठिकाना मुहाना आया तो केकई ने प्रहस्त से पूछा, क्या तुम्हें रथ के संचालन की वो प्रक्रिया आती है? यदि कदाचित एक पहिया टूट जाए तो तुम एक पहिए के आधार पर रथ को खींच सकते हो थोड़ी देर तक? ये तो मैं नहीं कर सकता, कहा पीछे आओ। और प्रहस्त को उन्हें पीछे कर दिया। केकई ने खुद रथ की भर को संभाला और ऐसा आज तक अश्वारोही कोई दुनिया में नहीं हुआ। उसने जो रथ थे चार चार घोड़ों की लगाम उसने दांत में दबाई और दांत से इशारा करती कि किस घोड़े को किस तरफ चलना है। और उसने व्यावर्त करके एक एक चक्के के ऊपर में जो विस्फोटक यंत्र होता है ऐसा बाण उसने मार दिया। अब वो लगा हुआ था उसमें, अब वो बाण अगर अगर वो चक्का ना गिरे तब तक चक्का के पास घर्षण होने के साथ में ही वो एकदम विस्फोट हो जाता। केकई ने कहा कि इस बाण की प्रक्रिया रथ तक पहुंचे उसके पहले कीली की धुरा को हटाना पड़ेगा। कीली की धुरा को उसने उठाया और अंगुली की, हम लोग कह देते हैं कि उसने उंगली लगा दी, उंगली नहीं लगाई क्योंकि ऊपर से बैठ करके उंगली में हाथ नीचे कैसे जा सकता था, इसलिए उसने अपने हाथ की अंगूठी, उसकी इतनी मजबूत थी, उस अंगूठी को उस कीले में डाल दिया। और उसके बाद में एक हाथ में तलवार ली और एक हाथ में उसने ढाल ली, भयानकतम युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद में उन्होंने देखा कि एक राक्षसों के बीच से एक बाण आया त्वरित गति के साथ में और दशरथ जी को लग गया। दशरथ जी छत विछत होकर के रथ में गिर पड़े। वो रथ सामने में से किसी ने नहीं खोला था। केकई ने एक ऐसी हुंकृत गर्जना की जो देवी की तरह गर्जी, लोगों के कान फूटने लगे। और उसी समय उनका, हट जाओ सामने से कौन है, हटे तो पीछे रावण था, वो बाण रावण ने मारा था। क्योंकि रावण अनरण्य के टाइम से कोशिश कर रहा था कि रघुवंश के ही द्वारा मेरा नाश होना है, इसकी परंपरा को मैं खत्म कर दूं। इसलिए उसने दशरथ जी को खत्म करने के लिए बाण जो ही छोड़ा, केकई ने समझ लिया और उसने कहा कि दशरथ ग्रीव, तूने मेरे सौभाग्य के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की है। भारत वर्ष की बहू अपने घर के अंदर घूंघट निकाल करके जब तक रहती वो तभी तक बहू है, लेकिन यदि उसके सौभाग्य के ऊपर कोई अगर उंगली उठाने की कोशिश करता है तो जिस समय वो महाकाली का रूप विन्यास धारण करके, कालिका का रूप धारण करके रण रंग में जब उतरती है तो समस्त के देवता शंकर के भी दांत खट्टे कर देती है, उसे भी क्षमा मांगना पड़ता है। इसलिए रावण, मैं अभी तुझे छोड़ती हूँ लेकिन मैं वीर प्रसूता माँ हूँ, मेरी संतान, क्योंकि तुझे ये वरदान दिया है महाराज रघु ने कि संतान में आने वाला युवक तुम्हें मारेगा, इसलिए मैं नहीं मारती, नहीं तो मैं तुझे अभी खत्म कर सकती थी, मेरा पुत्र तुझे वध करेगा। केकई वहां से महाराज दशरथ जी को रथ में लिटा करके और फिर गोपनीय मार्ग से एक ऐसी जगह ले गई जो अयोध्या वाले लोगों को भी नहीं जानकारी थी, क्योंकि राजाओं के यहाँ ऐसा गुप्त मार्ग होता था पुराने जमाने में, ताकि राज्य की संकट आ जाए तो लोग उसमें चले जाते थे। वहां पर केकई ने तीन लोगों को बुलाया, महाराज सुमंत को, महर्षि वशिष्ठ को और प्रहस्त को, कहा यदि राजा राज्य में ना हो तो आप राज्य को चला सकते हो क्या? और तब उन्होंने ये बताया कि यदि आपसे कोई पूछे कि चक्रवर्ती सम्राट कहाँ है तो कह देना कि वो देवासुर संग्राम में गए थे, देवासुर संग्राम में थोड़े से थक गए हैं, इसलिए देवराज इंद्र की प्रार्थना करने पर वो आराम कर रहे हैं वहां पर। अगर तुमने ये कह दिया कि वो घायल पड़े हैं तो कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, इसलिए कतई मत बताना कि महाराज घायल है, कह देना वो विश्राम कर रहे हैं, चले गए। उसके बाद में उन्होंने फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया, नहीं डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया कि अगर आएगा तो बात हमारी बाहर चली जाएगी। तो केकई ने खुद उपचार किया है अपने पति का। उस समय उसने 7 श्लोक लिखे अद्भुत रामायण में। केकई कहती है कि डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, ये केकई ने बताया। डॉक्टर को अपने औषधि यंत्रों के द्वारा हाथ को कम से कम 3-4 बार उनको अवलेह लगा करके सुकोमल बनाने चाहिए, उसके हाथ स्पर्श करने में माँ की अनुभूति कराए। किसी भी रोगी को डॉक्टर का हाथ छुए तो रोगी को ये लगे कि मेरी माँ मुझे छू रही है, ऐसा सुकोमल उसका हाथ होना चाहिए। आंखों में माधुर्य, वाणियों में वाणी में सरसता हो ताकि रोगी को ये लगे ये बड़े प्रेम से मेरा उपचार करेगा, बड़े प्रेम से ऑपरेशन मेरा करेगा। कुछ कुछ लोग होते हैं, बचपन का मुझे अनुभव है, मुझे कोई पट्टी बांधता था, सरकारी हॉस्पिटल था,
और ये उंगली में थोड़ी सी चोट थी तो पट्टी बनती थी, तो जब वो दूसरी पट्टी बांधने के लिए जाए तो जितना घाव ठीक हो उससे ज़्यादा वो बढ़ा देता था, क्योंकि वो ऐसे करके ऐसे खींच लेता था। आराम से अगर खींचे तो थोड़ा सा मालूम पड़े। तो इस प्रकार से निर्दयता डॉक्टर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। केके ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर के संदर्भ में वहां पर कही हैं, और फिर डॉक्टर ने केके ने शल्य चिकित्सा की बाण के द्वारा ऑपरेशन किया और जो अंदर जहरीले तत्व तो छोड़े थे रावण ने वो निकाल दिए, उपचार किया, अवलेह खिलाए और दशरथ जी को बहुत दिन में स्वस्थ करने के बाद में उसने लगभग लगभग 35 दिन तक उपचार किया और बाद में 64 उनके साथ में खेलती चौक क्या होता है वो खेल कोई होता है चौकर क्या होता है चौसर हाँ। और दशरथ जी से वो रोगण थे, थोड़ी सी होश उनको लाने के लिए चौसर वो खिला रही थी ताकि इनका ज्ञान विवेक बढ़े उससे, और उसके बाद में जान बूझ करके वो दशरथ जी के सामने हार जाती थी ताकि दशरथ जी को आत्मबल मिले कि मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं, मैं ठीक हूं। दशरथ जी महाराज खुश हो गए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हें जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। केकई ने कहा कि तुम मेरे पति हो, मेरे सबसे बड़े वरदान तुम हो और तुम मुझे मिल गए, सब कुछ मुझे मिल गया। दशरथ जी ने कहा आज नहीं कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो मांग लेना, दो वरदान उससे मांगे गए। पर केकई इतनी महान नारी है कि केकई इतनी भोली थी कि उसको वो वरदान याद भी नहीं थे, मंत्रा ने याद दिलाए, जो कुछ कराया उसने कराया। इसलिए केकई का चरित्र बड़ा अद्भुत दिव्य है। केकई का चरित्र मैं चाहूं तो पूरे 9 दिन सुना सकता हूं, बहुत कथाएं केकई की है।